पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। मयंक शेखर फिल्म समीक्षक हैं और अभिषेक त्रिपाठी फिल्मकार हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सीधा सवाल, क्या हम ये मान लें कि अब बॉलीवुड को अपनी एक आवाज, एक खोई हुई दबी हुई आवाज, बॉलीवुड के बारे में अक्सर ये बोला जाता था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि जरा नेताओं से और नेताओं की नेतागिरी से दूर रहते थे, तो अब आपको लगता है कि अब धीरे धीरे बॉलीवुड के सितारों को ये बात समझ में आने लगी है कि बोलना तो पड़ेगा? आई होप सो, ऐसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स एक प्रजातंत्र है और सबको कुछ अपनी बात कहने का हक है, और जो लोग बॉयकॉट कहते हैं उनको भी उतना ही हक है कि जिनको कह रहे हैं कि बॉयकॉट करें वो भी वापस अपने अपने डिफेंस में कुछ कह पाएं। बट ये कहना गलत नहीं हुआ कि इनकी जो आवाज जो थी वो खो चुकी थी। पिछले मैं 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, और उसके भी अपने रीजंस हैं कि ये कुछ कहते भी हैं तो उसको इस तरह से तोड़ मोड़ कर निकाला जाता है, ऐसी बातें उनके एक कैंपेन उनके उनके अगेंस्ट किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि लोग सोचते हैं कि भैया क्यों पढ़े हम, निजी बात तो है नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात है, मैं क्यों बोलूं, और मैं क्यों बोलूं करते करते कोई कुछ बोलता नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली ये बातें पर्सनल हो जाती हैं, राइट? बट ऑफ कोर्स उस स्पीच में, जैसे कि आपने जिक्र किया, अमिताभ बच्चन का जो स्पीच था या शाहरुख खान का जो स्पीच था, इससे लगता है कि यार बात काफी अब अब बोर हो रहे हैं हम ये सुन सुन के, बॉयकॉट सुन सुन के बोर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है तो वो भी देखकर हम काफी बोर हो चुके हैं, बिकॉज अब ये ऐसा लगता है कि लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम पनिशमेंट देंगे, अब क्राइम ढूंढने लगे हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई क्राइम ढूंढते हैं। सो अगर लोग कह रहे हैं, अगर साथ में मिलकर कह रहे हैं, इतने सारे बॉडीज भी हैं बॉलीवुड में, अगर मिलकर कहें तो एक बहुत ही एक अच्छा ट्रेंड होगा, एक नया ट्रेंड होगा और एक अच्छा ट्रेंड होगा, ट्विटर पर भी ट्रेंड होना चाहिए इससे। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक त्रिपाठी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आप बताइए कि अब ये तो जिस बॉलीवुड को या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आप रिझाने गए, आपसे मेरा मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां पर तो ये फिल्म स्टारों ने नसीहत दे डाली कि भाई हमको सब्सिडी मत दीजिए, जमीन पर सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं ये बॉयकॉट ट्रेंड, उसको रोक लीजिए, उससे बड़ा भला होगा। जी संकेत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुनील शेट्टी जी ने ये क्यों चुना कि वो योगी आदित्यनाथ को बोले और फिर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बोले, ये कह के ये क्या बताना चाह रहे हैं, बायकॉट कौन कर रहा है? आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे जाइए, आप देखिए रैंडम पीपल, रैंडम बायकॉटिंग के लोग हैं, कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इस चीज में, पर आप ये एक मंच चुनते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप ये पूछते हैं कि आप बायकॉट रोको, तो क्या पलट के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये पूछ सकते थे आप भी ड्रग्स रोको? क्या बोलते तो क्या वो अच्छा लगता कि आपके दोस्त, आपके मित्र, उनके बच्चे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और सब लोग जानते हैं, अब खुल के बोलना पड़ेगा ये चीज मुझे, तो क्या क्या अगर वो पलट के बोल देते कि ड्रग्स रोको तो फिर कैसा लगता? अच्छा तो, अभिषेक जी ऐसा है, ये बहुत बेतुकी बात है अभिषेक जी, ये बहुत बेतुकी, तो आपने इसको अंग्रेजी में व्हाटअबाउटरी कहते हैं, जो आपने अभी व्हाटअबाउटरी की बात, इसका मतलब ये है कि भाई जाओ उनसे पूछो कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया है, तो वो वाली नहीं। संकेत जी, मेरा मतलब ये है कि आप अगर योगी आदित्यनाथ से सीधा सीधा प्रश्न कर रहे हैं और किससे पूछेंगे, नहीं किससे पूछेंगे, क्या वो बायकॉट करवा रहे हैं भाई? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप बायकॉट रुकवा सकते हैं, लेकिन अगर संकेत जी मैं आपको कोई चीज बोलूं कि आप रुकवा सकते हैं, ये क्लिप एक एनडी टीवी पे चल रही है, तो इसका मतलब मैं आपको सीधे सीधे उस बात की तोहमत लगा रहा हूँ क्या? ये तरीका ठीक है? अगर आप किसी उसमें बैठे हैं, आपको इनवाइट किया गया है, तो ये तरीका, दूसरा बात, दूसरा पहलू मेरा संकेत जी ये है कि क्या ये बायकॉट, जो बॉलीवुड बायकॉट का जो ये ट्रेंड चलता है या सोशल मीडिया पे अलग अलग चलता है, क्या इससे सच में फर्क पड़ता है? क्या इससे सच में डर लगता है इन स्टारों को? क्योंकि शाहरुख खान की जो बात थी, मैं बहुत मतलब बड़े सितारे हैं वो, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में अपनी लास्ट लाइन बोली है, उनको लगता है कि किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और मैं भी मानता हूं कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। हमने जिस फिल्म का आपने गिनती कराई है, देखिए सीधी सी बात है, फर्क तो पड़ रहा है ना, फर्क तो पड़ रहा है, पड़ रहा है, क्योंकि
जब दृश्यम टू सुपरहिट होती है तो कोई नहीं बोलता है, जब भूल भुलैया टू सुपरहिट होती है कोई नहीं बोलता, जब कश्मीर फाइल सुपरहिट होती है तो कोई नहीं बोलता है, जब RRR सुपरहिट होती है कोई नहीं बोलता, जब पुष्पा सुपरहिट होती है तो कोई नहीं बोलता। ये लाइन से मैं कम से कम 15 फिल्में गिना सकता हूं, कोई नहीं। अगर आपकी फिल्म बेकार है, लोगों को नहीं पसंद आती है और वो नहीं चल रही है, देखिए इतना इतना आसान है। अक्षय कुमार जी की तीन फिल्में फ्लॉप हुई है, अक्षय कुमार की तीन फिल्में फ्लॉप हुई है, कोई बॉयकॉट उन्हें नहीं कर रहा है। अब जो भी कारण हो, कोई बायकॉट राम सेतु को नहीं किया, कोई बायकॉट बच्चन पांडे को नहीं किया, कोई बायकॉट रक्षाबंधन को नहीं फिर किया, फिर भी फ्लॉप हो गई, सफल है बॉक्स ऑफिस में। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है कि जो फिल्म पसंद नहीं आएगी, देखिए फिल्में पहले भी फ्लॉप होती थी, ये 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 एक नया 2018 में, मैं 2017 में, 2016 में फिल्में कि बॉयकॉट बोले। एक सेकंड, समझ गया मैं आपकी बात मयंक शेखर जी। अभिषेक जी का ये कहना है कि ये एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई देखो हमें बॉयकॉट कर दिया तो हमें हम चोटिल हो गए, हमारी फिल्में नहीं चल पाई, और इसको बहाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नहीं देखिए, ये बात सही है, अभिषेक जी ने ये बात सही कही है कि कोई कोरिलेशन ऐसा एस्टैब्लिश नहीं है कि कोई फिल्म को आप बॉयकॉट करते हैं और लोग सच में नहीं देखने जाते हैं। जो जो फिल्मों कि जो देखने की जो जनता है वो इन इन लोगों को, ये जो अनएम्प्लॉयड जनता जो दिन भर बैठ के ट्रोल करती है, इनसे इनको कोई कोई खास मतलब नहीं है। और ये जो लोग बॉयकॉट बॉयकॉट करते हैं, ये एक्चुअली मुझे लगता है ये फिल्म बफ भी नहीं है, इनको फिल्में ही शायद पसंद नहीं होगी, इसलिए दिन भर ये यही करते रहते हैं। और बट पॉइंट ये नहीं है कि वो हिट या फ्लॉप इसलिए होती है क्योंकि बॉयकॉट ट्रेंड चला के, नहीं। पॉइंट ये कि आप डिफेम कर रहे हैं, आप लांछन लगा रहे हैं, आप दिन भर गालियां देते हैं कुछ लोगों को, और एक मुहिम आपने बना दिया है इस तरह की बात कहने का, जिसको मन में आता है जो कहता है, जो कहना भी चाहिए बट उल्टा वार भी होना चाहिए, वापस उनको भी अपना अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, राइट। एक एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ, दूर से ही नोटिस करता हूँ कि ये जो मुहिम है, अगर हम इसको मान ले कि कोई मूवमेंट है, बॉयकॉट बैन बैन बॉलीवुड मूवमेंट है, तो ये बैन बॉलीवुड मूवमेंट क्या हो, ये तो एंटी हिंदी सिनेमा मूवमेंट हुआ, ये हिंदी भाषी फिल्मों की बात कर रहे हैं, मतलब ये एंटी हिंदी मूवमेंट हुआ, राइट। क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी उस समय से जब सुशांत सिंह राजपूत की जो जो देहांत हुआ, तब कह रहे थे कि भैया इसकी शुरुआत हुई नेपोटिज्म को लेकर, कि भैया ये सब भाई भतीजावाद होता है बॉलीवुड में, राइट। बट ये सबसे ज्यादा और उससे भी ज्यादा भाई भतीजावाद जो है वो साउथ इंडस्ट्री में होता है, वो तमिल में होता है, वो तेलुगु में होता है, वो मलयालम सिनेमा में होता है। ये जो लोग हैं ये कभी बॉयकॉट उन इंडस्ट्रीज को कभी नहीं करते हैं, ये सिर्फ हिंदी सिनेमा के पीछे पड़े होते हैं। तो अगर ये हिंदी सिनेमा के पीछे पड़े हैं, यानी कि ये हिंदी भाषा के पीछे पड़े हैं, और उत्तर प्रदेश के अगर सीएम हैं, अगर उनको अगर कुछ लोग जाकर अपनी बात कहना चाहते हैं उनके सामने, तो उसमें भी इतराज होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपको एक बात मैं बताना चाहूँ। आपने बोला कि कोई अगर कर दे तो सरकार से आप सवाल क्यों पूछे, कोई भी कर रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी का नाम सुना है आपने? जी हाँ बिल्कुल। कौन सा मंत्रालय है उनके पास और कहाँ के? वो प्रदेश के गृह मंत्री है। वो कहाँ के? मध्य प्रदेश। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। तो ये तो मुझे नहीं लगता है तो कोई छोटे मोटे आदमी हुए, तो बहुत बड़ा पद हुआ ना। उन्होंने बायकॉट की बात कभी नहीं की, उन्होंने कुछ दृश्य कुछ चीजों पे। अरे साहब, एक आदमी जिसके कंट्रोल में पुलिस है वो ये कह दे रहा है मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, काटो। एक बात बताइए संकेत जी, साउथ में कम से कम अगर आप लिस्ट खोलें तो 25 से 30 फिल्में फ्लॉप हो गई, वहां पे किसी ने आवाज नहीं उठाई, 6 फिल्में सुपर हिट हो गई, वो लोग खुश हैं, लेकिन कोई वहां इस तरीके से। और ये बात कर रहा हूं मैं, मेरा ये कहना है कि आपका ये कहना था कि ये जो कोई कुछ छुट भैये जो कि ट्रोल कर रहे हैं या आ करके पोस्टर फाड़ रहे हैं, मैं बड़ी घोर आपत्ति लेता हूं कि आप इतने वरिष्ठ गृह मंत्री को इस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि उनकी अभी हमने एक प्लेट चलाई जिसमें हमने देखा कम से कम 6-7 चीजों पर उनकी आपत्ति रही है। तो आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए संकेत जी, ये बता दीजिए। तो फिर आप ये मत बोलिए कि कोई छुट भैया कर रहा है। नहीं नहीं, क्या उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है? बहुत लोग कर रहे हैं पर वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सामने से कैमरे पे आके आपत्ति जताई है, खुले शब्द मुखर होके बोला है। तो इस जैसे विरोधाभास है आपकी बात में, लेकिन नहीं नहीं, जैसे सुनील शेट्टी, मैंने उनके साथ बहुत फिल्में की हैं, अक्षय कुमार मैंने सबके साथ की एज अ को डायरेक्टर, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे सुनील शेट्टी कोई चीज का आपत्ति उठा सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, सेम वे उसी तरीके से वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री
कुछ चीजों का आपत्ति उठा ठीक सकते है, वक्त खत्म हो गया तो है। महेंद्र शेखर और अभिषेक त्रिपाठी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है, आपत्ति करना और इस रसूखदार पद में होना कि उसके बाद आप आपत्ति करके बहुत कुछ बिगाड़ ले जाएं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है।